ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई बक्सिंग के द्वारा अक्टूबर 5 ईश्वरीय चाल चलन के रहस्य। जो मुझसे ज्यादा अपनी माता या पिता से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो मुझसे ज्यादा अपने बेटे या बेटी से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपनी सूली उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं है। मत्ती सुसमाचार 10:37-38। यूहन्ना अध्याय 15 में प्रभु यीशु मसीह ने उसमें विश्वास करने वाले लोगों से कहा है, मैंने तुम्हें अपना दास नहीं अपना मित्र कहा है, क्योंकि वह हमें वह सब कुछ देना चाहता है जो उसने पिता से पाया है। हम जैसे जैसे आत्मिक तौर पर बढ़ेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी मित्रता में हम आनंदित होंगे और हम उसके साथ खुलकर बातचीत करेंगे, उसे अपने मन की बातें बताएंगे और वह भी हमसे प्रेम से बात करेगा और हमें दिन प्रतिदिन बहुत सी नई बातें दिखाएगा। मत्ती 11:25 में हमें याद दिलाया गया है कि जो बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा ली गई है वे बच्चों पर प्रकट की गई है। 40 साल के अंतराल में परमेश्वर ने अब्राहम को 10 बार दर्शन दिया था और हरेक दर्शन में उसने ईश्वरीय मित्रता का एक नया भेद उस पर प्रकट किया था। असल में इन दर्शनों को ईश्वरीय मित्रता के 10 कदम भी कहा जा सकता है। तीसरी बार परमेश्वर ने अब्राहम को उसका देश छोड़कर एक नए स्थान में चले जाने के लिए कहा था, लेकिन परमेश्वर ने लूत को अब्राहम के साथ जाने के लिए नहीं कहा था। अब्राहम सिर्फ मानवीय संवेदना की वजह से लूत को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद लूत के सेवकों और अब्राहम के सेवकों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। उत्पत्ति 13:7। मानवीय लगावों का नतीजा हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता है और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे स्नेह का हरेक संबंध, चाहे वह हमारे पति पत्नी माता पिता भाइयों बहनों या संबंधियों का स्नेह हो, यह जरूरी है कि वह स्नेह प्रभु यीशु मसीह द्वारा पवित्र शुद्ध किया जाए। अगर वह पवित्र नहीं किया जाएगा तो एक दिन वह मुश्किल पैदा करेगा।